रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार यानी कि 22 जनवरी को सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। हाजरा मोड़ से शुरू हुई सर्वधर्म सद्भाव रैली में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी चीफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई रैली को लेकर कहा, इसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। धर्म निरपेक्षता हमारे देश को जोड़ती है। इस रैली का समापन पार्क सर्कस मैदान के एक विशाल सभा के साथ होगा। सफेद और नीली बॉर्डर वाली सूती साड़ी पहने और गले में शॉल लपेटे बनर्जी को सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते देखा गया। ममता बनर्जी ने रैली से पहले कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा, नौटंकी की जा रही है। रैली में अपने समापन संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा, मैं चुनाव से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं करती। मैं ऐसी परिपाटी के खिलाफ हूँ। मुझे भगवान राम की पूजा करने वालों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों की खान पान की आदतों में हस्तक्षेप पर आपत्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। पार्टी ने बयान जारी कर कहा था कि बीजेपी इसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा था कि वो समारोह के बाद अयोध्या जाएंगे। ममता इस रैली से ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी से अलग वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है और किसी एक धर्म या जाति को बढ़ावा नहीं देती। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें कोई भी इंडिया गठबंधन की पार्टी या बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।